अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम दुनिया के बड़े ममालिक के बड़े तनाजात के बारे में इस चैनल के जरिए आपको आगाह करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और ईरान के बड़े तनाजात के बारे में। नाजरीन, ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ईरान और सऊदी अरब ने कभी एक दूसरे के साथ खुलकर जंग नहीं लड़ी, बल्कि इन दोनों ममालिक ने हमेशा प्रॉक्सी वार का सहारा लिया है, जिसकी वजह से आज तक दोनों ममालिक में कशीदगी बरकरार है। इस प्रॉक्सी वार में दोनों ममालिक ने इराक, शाम और यमन को अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और तीनों ममालिक का सत्यानाश करके रख दिया। नाज़रीन, इन दोनों ममालिक में सर्द जंग का असल मकसद मशरिकी वुस्ता पर अपना अपना कंट्रोल हासिल करना है। नाज़रीन इकराम, इस सर जंग को समझने के लिए हमें इन दोनों ममालिक यानी ईरान और सऊदी अरब के माजी पर एक नजर डालना पड़ेगी। नाज़रीन, आगाज करते हैं 20वीं सदी के आगाज से, जब यह पूरा अरब का खित्ता कबायली इलाका जात का गढ़ माना जाता था, जहां सल्तनत उस्मानिया का राज था। नाज़रीन, 1920 जंगे अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया को जवाल हुआ, तो इसी दौर में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद इस खित्ते में मौजूद कबायलियों ने इस खित्ते पर हुक्मरानी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। कबायलियों के दरमियान जब खाना जंगी शुरू हुई, तो उसका नतीजा यह निकला कि एक कबीला जिसका नाम असाउद था, उसने इस जजीरे पर ज्यादातर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया और फिर यहां से शुरू हुआ असाउद का राज। नाज़रीन इकराम, काफी जद्दोजहद के बाद 1932 में इस जजीरे पर एक नई सल्तनत का क्याम हुआ, जिसे हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। सऊदी अरब के क्याम के ठीक 6 साल बाद यानी 1938 में उस जजीरे से तेल के बहुत बड़े जखायर दरियाफ्त हुए। तेल के जखायर के दरियाफ्त होने के कुछ अरसे बाद ही सऊदी बादशाहत बेपनाह दौलत से मालामाल हो गई। नाज़रीन इकराम, तेल के वसी जखायर की मालूमात के बाद अमरीका की दिलचस्पी इस खित्ते में बढ़ने लगी और इस तरह सऊदी अरब और अमरीका एक दूसरे के करीब आने लगे। इसी दौर में खलीज फारस के दूसरे सिरे से एक दूसरी नई रियासत उभर रही थी, जिसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसको हम ईरान के नाम से जानते और पहचानते हैं। ईरान को इब्तदा में नाज़रीन इकराम बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब की तरह ईरान को इतनी आसानियां नहीं मिली। ईरान को कई बार रूस और बरतानिया की जानिब से निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ईरान को मुस्तहकम होने में काफी अरसा लगा। बरतानिया और रूस के बाद सुपर पावर अमेरिका ने ईरान में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और CIA की मदद से ईरान में खुफिया बगावत शुरू करवाकर मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया और अपना एक आमराना हुक्मरान ईरान में तैनात कर दिया, जिसने ईरान जैसे कसीर आबादी वाले इस्लामी मुल्क में सेकुलर निजाम मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया। अमरीकी हमायत याफ्ता हुक्मरान रेजा शाह ने ईरान में मगरबी कल्चर को प्रमोट करके फहाशी के अड्डे खोलना शुरू कर दिए, ईरान को मगरबी सेकुलर रियासत की तरफ गामजन कर दिया। नाज़रीन इकराम, कुछ अरसे बाद मुस्लिम अक्सरियत की वजह से रेजा शाह के खिलाफ अवामी मुखालफत सामने आने लगी। इसी तसलसल में 1970 की दहाई के आखिर में रेजा शाह के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े और ईरान मैदान जंग बन गया, जिसकी वजह से 1969 में आयतुल्ला खामनाई के इस्लामी इनकलाब ने रेजा शाह का तख्ता उलट दिया और उसी वक्त से ईरान और सऊदीया ताल्लुकात में दरारें पड़ना शुरू हो गई। आयतुल्ला खामनाई ईरान के एक मजहबी पेशवा थे जो मगरबी कल्चर के खिलाफ थे। उन्होंने ईरान में एक इस्लामी निजाम नाफिज करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। ईरानी इनकलाब ने ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में नाज़रीन इकराम अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ईरानी इनकलाब की वजह से सऊदीया को यह खतरा लाहक हो गया कि कहीं ईरान की तरह सऊदीया में भी बगावत ना शुरू हो जाए और शाही खानदान का तख्ता ना उलट दिया जाए। CIA की 1980 की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया कि ईरानी इनकलाब सरहदों से बाहर अपने पंजे गाड़ने जा रहा है। इसी असना में नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के एक शहर में ईरानी इनकलाब के हक में नारे बुलंद होना शुरू हो गए,
जिसकी वजह से सऊदीया और मगरबी ममालिक को मजीद खतरा लाहक हो गया। अमरीका, रूस और दीगर ममालिक के थिंक टैंक ईरानी इनकलाब से दुनिया को बचाने में मसरूफ होने लगे। इब्तदा में उन्होंने इनकलाब को रोकने की सर तोड़ कोशिशें की, जिसमें वो नाकाम रहे। उसके नतीजे में मगरबी ममालिक ने सऊदीया को ईरान के खिलाफ खूब भड़काया और फिर सितंबर 1980 में ईरान में इराक से हमला करवा दिया। इस जंग को अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, सऊदी अरब और यूएई ने खुफिया सपोर्ट दी और यह जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही। इस जंग में नाज़रीन अकराम लाखों अफराद लुकमाए अजल बन गए। इस जंग ने सऊदी अरब ईरान को एक दूसरे का सख्त तरीन दुश्मन बना दिया। उसके बाद ईरान ने सऊदीया की तेल तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके नतीजे में हालात मजीद खराब हो गए। नाज़रीन, ये महाज अराई यूं ही जारी रही और बात यहां तक पहुंच गई कि हरम पाक में हज के दौरान ईरानी हुज्जाज कराम अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बगावत से अमरीका सख्त खौफजदा हुआ और सऊदी अरब पर दबाव डालकर इस बगावत को कुचलने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में जुलाई 1987 में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। उस नतीजे में 412 ईरानी हुज्जाज कराम शहीद कर दिए गए। उसके रद्दे अमल में ईरानियों ने सऊदी सफारत खानों और उनकी रिहाइश गांवों पर हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ईरान सऊदी सफारती ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो गए और ईरानी हुज्जाज कराम पर पाबंदी लगा दी गई। ईरान इराक जंग के बाद यह मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी कशीदगी थी, जिस पर पूरी मुस्लिम उम्मा सर पकड़कर बैठ गई और अमन के लिए कोशिशें तेज हो गईं, जिसके नतीजे में ईरानी वजीर खारजा अली अकबर वलायती ने अप्रैल 1991 में सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरान हालात कदरे मामूल पर आए और ईरानी हुज्जाज कराम से पाबंदी उठा ली गई। इस सिलसिले में सऊदीया ने 412 शहीद ईरानी हुज्जाज कराम के 5000 रिश्तेदारों और दोस्तों को हज करने की दावत दी। नाज़रीन कराम, ताल्लुकात मजबूत होते देखकर दुश्मन ममालिक सर जोड़कर बैठने लगे और दोबारा से ताल्लुकात खराब करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में जून 1996 में सऊदी शहर में अमरीकी फौजी छावनी पर हमला करवाकर 19 अमरीकी फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जिसका बराह रास्त इल्जाम ईरान पर लगा दिया गया, जिसने एक बार फिर ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर दिया। दुश्मन की साजिशें जारी थी और मुसलमान उनका आलाकार बनते रहे तो खित्ते में अमन कैसे मुमकिन था। ईरान सऊदीया दोनों इस खित्ते को कंट्रोल करने की ख्वाहिश को कई दहाइयों से लेकर जा रहे थे, जिसको दोनों जानिब यानी सऊदीया और ईरान को बैरूनी सपोर्ट हासिल थी। इस मकसद के लिए सऊदी अरब शाम में बागियों को खूब सपोर्ट करता रहा और उसके बरक्स ईरान शामी हुकूमत को सपोर्ट करता रहा, और इस जंग में दाइश भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही थी, जिसकी वजह से यह सारा खित्ता आग का मंजर पेश कर रहा था। सऊदी अरब ने जब यमन पर हमला किया तो ईरान ने यमनियों की खुलकर मदद की। इसी तसलसल में यमनी सऊदी अरब की तनसीबात पर खतरनाक मजाइल दागते रहते हैं, जिसका सऊदीया बराह रास्त इल्जाम ईरान पर लगाता रहता है। सऊदीया फिजाइया के हमलों ने कदीम यमन को तहस नहस करके रख दिया, जिससे दुश्मन बहुत खुश है और इसी वजह से सऊदीया की हमायत करता रहता है। नाज़रीन कराम, ईरानी इनकलाब के बाद शिया सुन्नी फसादात को वक्तन फवक्तन हवा दी जाती रही है, जिसकी वजह से बैरूनी ममालिक बड़ी आसानी से मुस्लिम ममालिक में इंतशार फैलाते नजर आते हैं। नाज़रीन, जनवरी 2016 में मारूफ शिया आलिम शेख बाकर को शिया सुन्नी फसादात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए फांसी की सजा सुना दी गई, जिसकी वजह से ईरान सऊदी सफारती ताल्लुकात एक बार फिर खत्म हो गए और आज तक जूं के तू हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह निगेबान।